Genius Kids. Cultivating love for learning. पाठ 11 लोभो पापस्य कारणम्। लोभे पापस्य मूल कारणम् अस्ति। लोभवशात् मनुष्यः बहूनि पापानि कुर्वन्ति। संसारे केचन लोभात् अन्येषां धनानि दाराशच अपहरन्ति। अपि च यदा कदा ते स्वजीवितानि अपि प्रदीपे शलभानिव विनाशयन्ति। अयम् लोभः बहुविधः भवति, यथा धन लोभः, वनिता लोभः, राज्य लोभः इत्यादिः। धन लोभात् केचन विदेशान् गच्छन्ति, आकृत्यानि च कुर्वन्ति, असेव्यान् सेवन्ते, कलहान् कुर्वन्ति, तृप्तिं न लभन्ते। राज्ये लोभात् दुर्योधनः सपरिवारं विनाशं प्राप्तवान्। यदा सीता हेममयं मृगं प्रति लुब्धा संजाता, तदैव सा वनात् बलाद् प्रहिता रावणेन। लोभस्येव अयं परिणामः आसीत्। हिंदी अनुवाद। लोभ पाप का मूल कारण है। लोभ के कारण मनुष्य अनेक पाप करते हैं। संसार में कुछ लोग लोभ के कारण दूसरों के धन और स्त्रियों का अपहरण करते हैं, और कभी कभी वे अपने जीवन को भी पल भर में नष्ट कर देते हैं। लोभ कई प्रकार का होता है, जैसे धन लोभ, स्त्री लोभ, राज्य लोभ आदि। धन लोभ के कारण कुछ लोग विदेश जाते हैं, अनधिकृत कार्य करते हैं, न खाने वाली चीज़ों का सेवन करते हैं, झगड़े करते हैं और अपने आप को संतोष नहीं दे पाते। राज्य लोभ के कारण दुर्योधन ने अपने पूरे परिवार का विनाश किया। जब सीता ने सोने का मृग देखकर लोभ किया तो उसी समय रावण उसे वन से ले गया। लोभ की वजह से यह परिणाम हुआ। यथोक्तम् असंभवम् हेम मृगस्य जन्म तथापि रामो लुलुभे मृगाय। हिंदी अनुवाद। इस श्लोक में कहा गया है कि लोभ व्यक्ति को गलत कार्यों में प्रवृत्त करता है, जैसे कि भगवान राम भी सोने के हिरण के लिए लालची हो गए थे। बाली राज्य लोभात् स्वभ्रातृः सराज्यं कल्त्रं जहार। अस्माद्देव मर्यादा पुरुषोत्तमो रामः मर्यादा स्थापनार्थ दुर्दशः बाणिः असम्य एव तस्य वधम् अकरोत्। कैकेयी या दशरथस्य प्राणप्रिया भार्या आसीत्। राजलोभात् लोकप्रियं रामं वनं प्रेषितवती, येन महती तिरस्कारस्य पात्रं बभूवः। हिंदी अनुवाद। बाली ने राज्य के लोभ की इच्छा के कारण अपने भाई सुग्रीव का साम्राज्य छीन लिया। हमारे प्रिय प्रभु श्री राम ने धर्म की रक्षा के लिए भीषण बाणों से बाली का वध किया। राजा दशरथ की प्रिय पत्नी कैकेयी ने लोकप्रिय होने के लिए राम को वन भेजा, लेकिन उसका बड़ा तिरस्कार हुआ। विषय लोभो अपि महतः अनर्थस्य मूलम् अस्ति। केचित् लंपट जनाः सपत्निका अपि परदारेषु कुदृष्टिं निक्षिपन्ति। ते उचित मनुचितं वा कर्तुम् उद्यतः भवन्ति, अज्ञानशच ते न जानन्ति यत्। हिंदी अनुवाद। विषय लोभ भी बड़े दुखों का मूल कारण होता है। कुछ लोग अपनी पत्नियों के होते हुए भी दूसरों की स्त्रियों पर बुरी नज़र रखते हैं। वे सही गलत का अंतर नहीं करते और उचित अनुचित को करने के लिए तैयार हो जाते हैं। वे अज्ञानी यह नहीं जानते कि
न जातु कामः कामाना मुपभोगेन शाम्यति हविषा कृष्ण वर्तमेव भुए एवाभिव धरते धनेषु जीवित वेषु स्त्रीषु भोजन व्रतिषु अतृप्तः मानवः सर्वे याता यास्यन्ति यान्ति च लोभस्य बहवः अनर्थः मा भारते कथितम्। हिंदी अनुवाद। किसी भी प्रकार की कामनाएं उपभोग से शांति प्राप्त नहीं करती, बल्कि वे और अधिक होती हैं, जैसे कि आग ज्यादा बढ़ती है जब हविष्य की दिशा में जलती है। धन में, जीवन में, व्यक्तियों में, स्त्रियों में, भोजन में और व्यवसायों में सभी मानव असंतुष्ट रहते हैं। ये सभी आते जाते हैं। लोभ के कारण बहुत सारे अनर्थ होते हैं। यह महाभारत में कहा गया है, यथोक्तम् लोभात् क्रोधः प्रभवति, लोभात् कामः प्रवर्तते, लोभात् मोहश्च माया, च मानः स्तम्भः पराश्रता, अत्यगश्च चाति हर्षच रूपरिश्वर्य मदस्थता, सर्वलोभात् प्रवर्तते, अतः परद्रव्येषु पारदरेषु च लोभः कदापि न कर्तव्यः। त्रिविधं नरकस्येदं द्वारं नाशनमात्मनः लोभः क्रोधश्च मोहश्च तस्मादेत त्रयं तत्यजेत्। अतः सर्वानर्थकरं लोभं दूरतः परिहरेत्। हिंदी अनुवाद। लोभ से क्रोध उत्पन्न होता है, लोभ से काम बढ़ता है, लोभ से मोह और माया होती है और अहंकार और पराया मान होता है। लोभ से हर्ष और माया उत्पन्न होते हैं। इसी तरह रूप, ऐश्वर्य, मद और अन्य सब का उत्थान लोभ से होता है। इसलिए पराए धन और पराए पति पत्नी में कभी लोभ नहीं करना चाहिए। इस संयम से मनुष्य का नरक में गिरने का द्वार नष्ट हो जाता है। लोभ, क्रोध और मोह ये तीनों आत्मा के नरक के द्वार हैं। इसलिए इनका त्याग करना चाहिए। शब्दार्थ लोभ है अर्थात लालच, ग्रीड, अपहरंती अर्थात अपहरण करते हैं, चुराते हैं, स्टील, वनिता लोभ है अर्थात स्त्री लोभी, ग्रीड फॉर वुमेन, तृप्तिम अर्थात संतुष्टि, सेटिस्फैक्शन, हेममयम मृगम अर्थात सोने का मृग, गोल्डन डियर, बलाद प्रहिता अर्थात बलपूर्वक अप्रहित की गई, किडनैप्ड, लंपट जनहा अर्थात लालची मनुष्य, ग्रीडी पर्सन, परदारेशु अर्थात दूसरों की स्त्रियों पर, अदर्स वाइव्स, प्रभवती अर्थात उत्पन्न होता है, प्रोड्यूसेस, रूपरिश्वर्य है अर्थात रूप और संपदा, ब्यूटी एंड प्रॉपर्टी, परद्रव्येषु अर्थात दूसरे के द्रव्यों में, धन में, पर अदर्स वेल्थ, त्रिविधम अर्थात तीन प्रकार के, थ्री टाइप्स। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।